अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अच्छा, तो ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है पेज नंबर 127 से, लेकिन इसके लास्ट में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है एंड इट इज़ दैट के हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता क्या है? पेज नंबर 128 PRS फिजियोलॉजी आप आ जाएँ। 128 पे आप देखेंगे कि एक ग्राफ दिया हुआ है आपको और आप इस ग्राफ पे आप फोकस करें तो इसके एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है, दैट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वाई एक्सिस पे हीमोग्लोबिन दिया हुआ है। तो बेसिकली ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज़ डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें फोर हीम ग्रुप्स होते हैं दैट कंटेन फोर आयरन्स। इसका जो हीम पार्ट होता है इट कंटेन्स फोर आयरन एंड ईच आयरन हैज़ द कैपेसिटी टू बाइंड विद द ऑक्सीजन। नॉर्मली 95% ऑफ योर हीमोग्लोबिन दैट बाइंड विद द ऑक्सीजन एंड सेचुरेशन इज डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हमने एक चीज़ पढ़ी थी पिछली वीडियोज़ में, अगर आपको याद हो तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो अल्वियोलाई में होता है, दैट इज़ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, दैट इज़ 160 मिलीमीटर ऑफ HG आपके अल्वियोलाई में आके 100 हो जाता है और फिर सिस्टेमिक ब्लड में ये जाकर 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है। तो आपका प्रेशर जो है वो चेंज होता है, आपके ऑक्सीजन का प्रेशर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कंडीशंस में चेंज होता रहता है एंड सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ऑक्सीजन रैपिडली बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से, और जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बाइंड होने के बजाय ऑक्सीजन रिलीज होगी फ्रॉम दी हीमोग्लोबिन। सो होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब पेज नंबर 128 पे आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ABC एट 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है तो हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन 100% हो जाती है फॉर द ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट के चारों आयरन विल बाइंड टू द ऑक्सीजन। ठीक हो गया। एट 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी 75% ऑफ योर हीमोग्लोबिन विल बाइंड टू द ऑक्सीजन, यानी कि 3 out of 4 मॉलिक्यूल्स of heme will bind to the oxygen, and at the 25 millimeter pressure per 50% yani 2/4 heme group will bind to the oxygen, and this P50 ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 50% सेचुरेशन अचीव हो जाती है तो इस पार्शियल प्रेशर को यानी 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को हम P50 भी कंसीडर करते हैं बिकॉज इस प्रेशर पर हाफ ऑफ योर हीमोग्लोबिन इज एबल टू बाइंड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। तो ये तो हो गए प्रेशर की कहानी कि किस प्रेशर पे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है। देन अब बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पर। हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व अगर आप ये देख रहे हैं ग्राफ ऑन पेज नंबर 128, सिग्मॉइड शेप का एक कर्व होता है, इसको अगर आप देखें हम इसके एक्स एक्सिस से देखना शुरू करते हैं तो स्टार्ट में जो इसकी लोअर पार्ट है दैट इज़ सिग्मॉइड और जो इसका अपर पार्ट है इट इज़ फ्लैट। ठीक हो गया। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो इसका लोअर यानी कि सिग्मॉइड पार्ट होता है, ठीक है, ये शो करता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक, यानी कि अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब लो प्रेशर पर, आई टोल्ड यू अर्लियर, एट लो प्रेशर हीमोग्लोबिन विल डिसोसिएट, इट रिलीज द ऑक्सीजन। सो लो प्रेशर पर आपके ऑक्सीजन को रिलीज करता है तो ये जो लोअर पार्ट है दैट इज़ एस शेप, ये हमारे पास शो करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन को, और अपर पार्ट अगर हम ऊपर देखें 75 से 100 मिलीमीटर प्रेशर पर हमारे पास ये कर्व ऊपर जाके फ्लैट हो जाता है। दिस अपर पार्ट विल शो द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द हीमोग्लोबिन। तो पहले तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि लोअर पार्ट विच इज़ सिग्मॉइड इट शोइंग द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड अपर पार्ट विच इज़ फ्लैट इट शो द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द हीमोग्लोबिन।
नाउ व्हाट इज़ पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी? पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी का मतलब ये होता है कि एज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज बाइंड टू द हीमोग्लोबिन, इट फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द हीमोग्लोबिन. यानी एक के बाद एक ऑक्सीजन आके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी को बढ़ा देता है. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी. ठीक हो गया? तो होप इट इज़ क्लियर टू यू. अब हम ये बात करते हैं कि लंग्स में और पेरिफेरल टिश्यूज़ में क्या खासियत है, क्योंकि लंग्स में यू नो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 100 mm Hg, वाइल इन द पेरिफ्री द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ अबाउट 46 mm Hg. सो यू मस्ट नो द चेंजेस बिटवीन दैम, सॉरी 40 mm Hg. सो इन केस ऑफ लंग, व्हेन देर इज़ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ अबाउट 100 mm Hg, इट मीन देर इज़ द 100% ऑफ एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन. सो देर इज, सो इन द लंग्स ऑल द हीमोग्लोबिन्स आर 100% सेचुरेटेड विद ऑक्सीजन. सो इन द लंग्स द हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल बी फ्लैट. ओके, अपर पार्ट में आएगा एंड इट विल बी फ्लैट. वाइल इन केस ऑफ पेरीफ्री where the pressure is low, the partial pressure of oxygen is about 46 millimeter of mercury. Hence, there is the decreased concentration of oxygen, decreased availability of oxygen to bind with the hemoglobin, because they, in the peripheral tissue, the oxygen is required for the aerobic respiration purpose. So, in the peripheral tissue, there is low oxygen, low affinity of oxygen to bind with the hemoglobin. सो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे आपको स्टीप कर्व नज़र आएगा इन द पेरिफेरल टिश्यूज़. देन लास्ट में हमारे पास पॉइंट आ जाता है पल्स ऑक्सीमीटरी का. पल्स ऑक्सीमीटर आप सब ने देखा होगा हॉस्पिटल्स में. पल्स ऑक्सीमीटर इज़ बेसिकली मेजर करता है सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आर्टेरियल ब्लड. यहाँ पे दो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू हैं. एक हमारे पास ये है कि आर्टेरियल ब्लड की सेचुरेशन को मेजर करता है पल्स ऑक्सीमीटर, और दूसरा ये कि ये मेजर करता है विद द हेल्प ऑफ डुअल वेवलेंथ स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री. ठीक हो गया? तो होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. और कहीं पर अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो यू कैन करेक्ट माई मिस्टेक इन द कमेंट सेक्शन एंड काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. So everybody can get benefit of it. Thank you so much again.